हेलो दोस्तों, गोल्ड को अपन आज देखेंगे। ठीक है, अभी का रिसेंटली अभी वो चल रहा है 2343 रुपये चल रहा है। ठीक है, एक अभी जोन के पास आ गया है, बॉटम जोन पे आ गया है, सपोर्ट लेवल के आसपास एक एरिया आ गया। कुछ सपोर्ट लाइंस बना देता हूँ, ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं। अब जैसे कई लोग पूछेंगे कि सर, जो बॉडी से बॉडी होती है और जो विग होती है, तो इसमें बॉडी जरूरी रहती है कि विग जरूरी रहती है? इसमें दोनों इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन ज़्यादातर मैं बॉडी को इम्पोर्टेंस देता हूँ ज़्यादा इस चीज़ के अंदर। ठीक है, बाकी फिर भी आप समझ लो, जैसे इस चीज़ को अपन यहाँ से लेके चलते हैं। आपको बता देता हूँ कि जब भी आप ट्रेड करो, वन सेकेंड, जब भी आप ट्रेड करो तो बॉडी और जो विग है आपकी, ठीक है, तो दोनों को लेके आपको चलना है। ठीक है, दोनों से आपको ट्रेड करना है उसमें। मैं बता देता हूँ आपको, मैं इसमें नहीं करना है अपने को। रेक्टेंगल का यूज़ करना सीधा अपने को, ठीक है, और जो अपनी अपन, हाँ, यहाँ से उठाते हैं, अपन बॉडी टू बॉडी कनेक्ट करेंगे, बॉडी से लेके सीधा जो अपना ये वाला एरिया है। ठीक है, तो अपन इसका सीधा कनेक्ट करेंगे, तो आप ये सीधा इधर वाला जो लेवल है, वन सेकेंड यार, ठीक है, अब जैसे अपन बॉडी टू बॉडी से लेके विग विग अपन अगर कनेक्ट करेंगे ना, तो सीधा ये चीज़ यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी आपके, ठीक है, इस वाले लेवल से कनेक्ट हो जाएगी। अभी वॉर का सिनेरियो भी बन रहा है अभी थोड़ा सा मार्केट के अंदर, तो अभी आप गोल्ड गोल्ड के अंदर लोग ज़्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं कि जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटीज मिलती है, कभी मतलब वॉर वगैरह का जैसे सिनेरियो होता है, ठीक है, मंदी वगैरह का कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, तो सबसे ज़्यादा लोग ना गोल्ड के अंदर प्रेफर करते हैं। गोल्ड हो गए, बॉन्ड्स हो गए, तो इनमें ना ज़्यादातर वो चीज़ें होती है। और जो गोल्ड है अपना ऑल टाइम हाई मार के आई है, ठीक है, 2431 का, ठीक है, तो अपनी जो एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, तो अपन इस लेवल से अगर अपना गोल्ड के अंदर ट्रेड करना है, तो अपन यहाँ कैसे रख के आराम से इस लेवल कैसे रख के अपन 2311 कैसे रख के आराम से, ठीक है, और जैसे ही इस वाले लेवल के आसपास आए, 2330 के आसपास इस लेवल पे सस्टेन करें, थोड़ा सा सस्टेन होने के बाद फिर जैसे आपको अगर बिग बुलिश कैंडल अगर आपको दिखती है, ठीक है, बुलिश मारूज कैंडल अगर आपको दिखती है यहाँ पे, ठीक, अगर हैमर वगैरह अगर आपको दिखता है, ठीक है, तो यहाँ से आपको सीधा बाय कर लेना है। ठीक है, मतलब आप अपने हिसाब से ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, और जो आप टारगेट आराम से रख सकते हो, जैसे स्विंग ट्रेड के हिसाब से आप रख सकते हो, ठीक है, लॉन्ग के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो, अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से काम करना है, तो आप जो शॉर्ट टर्म का आपका टारगेट हो सकता है इसमें 2354 के आसपास का आराम से आपको टारगेट मिल जाएगा, 2354 से लेके अपना एक ये टारगेट 2363 के आसपास का, ठीक है, फिर सेकेंड टारगेट आपका ही दिखेगा 2395-2400, ठीक है, ये टारगेट हो सकते हैं। अगर मार्केट अगर इस 2330 के आसपास अगर मार्केट कंटिन्यूसली अगर गिरावट करता है, तो आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा यही होगा 2267 के आसपास, ठीक है, 2266, 2271 के आसपास का, 2270 और 2267 के आसपास का, ठीक है, तो यहाँ से आप ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो गोल्ड में ये है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।